والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين امام المرسلين وقوت من نبيين ابي القاسم المصطفى محمد وآل آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أزدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي वद जन्नती अवला तारीफ़ उस मबूद बरहक़ की जिसने ये तमाम कायनात को ख़ल किया वो मबूद बरहक़ के जो अव्वल का अव्वल है जो आखिर का आखिर है इसका मतलब ये है अज़ीज़ों कि सादा से लफ्ज़ों में बयां कर दूं कि अल्लाह ऐसा अवल है कि जब उसका वजूद था तो किसी का भी वजूद मौजूद नहीं था वही है जिसने तमाम आलम को पैदा किया चाहे वो छोटा ही ज़र्रा क्यों ना हो यानी के जर्रे जर्रे को बनाने वाली जो जात है वो हमारे मबूद बरहक की जात है और वो आखिर का आखिर है यानी जब ये दुनिया तमाम हो जाएगी ख़त्म हो जाएगी तब भी उसकी जात बाकी रहेगी अब परवरदिगार कहेगा अना रब आला कि मैं तुम्हारा आला परवरदिगार हूँ यानी गोया अजमत परवरदिगार खल्कीत परवरदिगार उस वक्त मालूम होगी कि वाकन वही ज़ात है जो सबसे पहले मौजूद थी और वही ज़ात है जो सबसे आखिर में भी मौजूद रहेगी ये परदिगार की तारीफ़ सतश उसकी हमद हम जितनी बयाँ करें वो कम है अजीज़ों एक वक़या हमारी ज़बान है कि हम परिगार की तो सना कर सके हम परदिगार की तारीफ़ तोसीफ़ कर सके ये हमारी ज़बान वाक तारीफ़ के काबिल नहीं अल्लाह की हमद बयान करने के काबिल नहीं हैं बहरहाल मौजुअ़ कलाम कि जो मैंने आपको मुकदम कलाम से शुरू किया कि कल मौजू की इब्तदाई मैंने करबला रखी कि मकसद करबला समझिए मकसद आका हुसैन अबा अब्दुल्लात वसलाम को समझिए कि मैंने अपने सरनामा कलाम में सर फजर की आखिरी चंद आयतों की जो बात आपके गोश गुजार की है आज भी उसी बात को एदामे देते हुए उस बात को जारी करते हुए कि अल्लाह क़र मजीद में कह रहा है या आइये तोहनबमतम इजी एला रब के रौज मज़ियालीफ़ इबादी वत खली जन्नती यानी वाक़ नए नफ़ मतम पलट है अपने परवदिगार की तरफ़ इस तरीके से कि तू भी अपने परिगार से राजी है और तेरा परवदिगार भी तुझसे राज़ी है यानि अल्लाह की इबादतें कि उसमें मामैन समा जाते हैं और अल्लाह की ही जन्नत है जिसमें मामे हुसैन के लिए वह जन्नत बनाई गई है और क्यों करना हो अजीज़ों क्योंकि जवाना जन्नत की जो सरदार है आका अब अब्दुल्ला की ज़ात ऐसी है अजीज़ों के कहते हैं ना हम कि एक इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है यानि उसका इंतकाल हो जाता है वो इस दुनिया से दूसरी दुनिया की तरफ मुंतकिल हो गया यानी उसका खातेमा हो गया अब उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है बहुत कम ऐसे होते हैं जो उसका नाम लेते हैं उसे याद करते हैं जबकि हमें मरहूमिन को याद करते रहना चाहिए हमें इस पहुँचाते रहना चाहिए मगर आका अब अबाबदिल्ला की ज़ात ऐसी अज्ज़ों जो कभी फ़ना नहीं हो सकती जब भी खत जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती क्योंकि ऐसार इमाम हुसैन क़ुरबानी इमाम हुसैन इतने ही आला है कि वाकया हम उसे फरामोश नहीं कर सकते हम भूल नहीं सकते मौला ने अपने घर के जवान दे दिए अपने घर के ज़ीफ़ों को दे दिया अपने घर के अपने अनसार दे दिए अपने जो यावर और मददगार थे ज़ीफ़ थे वो तक्का मौला के ऊपर लुट चुके कुर्बान हो गए मौला ने अपने शषमाहे को दे दिया ये आम कुर्बानी नहीं कर्बला है अजीजों इसीलिए करबला मोहनदगार है यानी करबला साबित रहने वाली चीज़ है करबला बाकी रहने वाली चीज़ है करबला को समझिए दर्क करिए क्योंकि अगर हमने करबला को नहीं समझा दर्क नहीं किया तो अब भी उम्र के इस दौराए पे आज जो हम खड़े हुए अजीजों यानी अब भी हम कुछ नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर तो यही हो गया कि हर साल की तरह बस हम यू ही हर साल अज़ाय हुसैनी मनाएंगे मातम करेंगे गिरिया करेंगे फिर उसके बाद जब आर रबी आएगी तो वह आखिरी दिन होगा अयाम ऐसा ख़त्म हो जाएगा यानी जो हम दो महीना आठ दिन जो इमाम पे रो रहे हैं गिरिया कर रहे हैं मजलिस पपा कर रहे हैं बस एक अपना मशगला बना लिया है यानी एक रूटीन बना ली है कि यह काम करना है हमें तो बस रूटीन नहीं बनाइए करबला को समझिए दर करिए क्योंकि करबला दर्स गाह है हमारे लिए इबरत की जगह है कुछ चीज़ें मैंने आपके लिए कल बताई कि वाकया जो इंसान तकाजा करता है या सवाल उठाता है या एतराज़ करता है कभी हर साल की तरह फिर आप काले लिबास पहन लेंगे फिर आपके वहाँ आजा खाना सजाए जाएंगे फिर आप मजलिस से पपा करेंगे तो उनके लिए मैंने जवाब दिया और कुछ बातें जो मैंने कुरान के ज़रिए से ही हवाला आपको दी इस जैसे सुरहूद में आयत नंबर 120 में मैंने इर्शात फरमाया कि अल्लाह ने वहाँ पे जो बातें की है उसकी बात को वही बातों को समेटते हुए आज के मौसु को मैं कंटिन्यू करूँगी कि अल्लाह ने जनाब आदम का तस्कर किया जनाब होवा का तस्करा किया जनाब मूसा का तस्कर किया जनाब ईसा का, का और भी नबियों का जो तस्करा कुरान मजीद में हो रहा है ये हकीकी चीज़ें हैं अजीज़ों ये इबरत लेने वाली चीज़ें हैं आप ये मत समझिए गैर हकीकी है यानी इसके अंदर कोई हकीकत नहीं पाई जाती नहीं बल्कि हकीकत है और इसे हमें दर करना है और समझना है कि अगर हम कुरान में अम्बिया के किस्सों से उनके वाक़ से दर्स हासिल नहीं करेंगे तो हमें कहाँ हमें कहाँ से दर्श मिलेगा हम दुनिया वालों को देख के और उनको तो अपना आइडियल नहीं बना सकते ना एक आइडियल बनाने के लिए भी एक ऐसी हस्ती होना चाहिए जिसे देख के हम कह सकें कि इसको हम अपने लिए नमूना अमल बना सकते हैं अजीजों देखिए शागिर जो है अपने उस्ताद को देख के सोचता है कि मैं इनकी तरह बनूंगा छोटे जो है अपने बड़ों को देख के सोचते हैं कि हम इनकी तरह बढ़ेंगे बनेंगे यानी अगर वो उनके अख्लाक अच्छे उनके किरदार अच्छे हैं उनका रहन सहन अच्छा है तो ये फ़ितरत है इंसानी फितरत है कि इंसान झुकती है उस तरफ इन्हें अच्छाई की तरफ झुकती है इंसान मोहब्बत की तरफ झुकती है ये फित फ़ितरत का तक है इंसान की तो बस हमें कुरान के किस्सों से कुरान के वाक्यात से इबरत लेनी है सबक हासिल करना है ताकि हम दर्ज हासिल करके अपनी दीनों दुनिया को रोशन कर सके वरना तो दीन भी हमारा अंधेरे में रहेगा और दुनिया भी अंधेरे में रहेगी उसी तरह इसी के ज़िम्मन में कहा गया कि कुरान में जो वाक़त आए उसमें चार असर रखी गई यानी चार बातें असर पजीर हैं सबसे पहले कि दिल हमारा महकम होता है जो मैंने कल उसका तस्करा कर चुकी हूँ आज फिर वही तस्करे पर दोबारा नहीं होंगी बस एक याद आवरी और याद दहानी के लिए कल की बातों को समेट रही हूँ कि सबसे पहले मंजिल पे इसलिए कुरान में किससे आए ताकि हमारे दिल महकम हो जाए और दिल महकम कब होंगे कि जिस तरीके से जनाब मूसा और उनके लश्कर वाले के आगे दरिया है और पीछे फिरौन है उसके लश्कर वाले हैं तो जनाब मूसा उन्हें दिलासा दे रहे हैं कि घबराओ नहीं अल्लाह है यानी बेखौफ रहो क्योंकि जनाब मूसा को अल्लाह निडर बना रहा है अल्लाह तसल्ली दे रहा है अल्लाह तशफ़ी दे रहा है इसलिए वो अपनी कौम वालों को तशफ़ी दे रहे हैं इसी तरह हज़र ख़तम मुरसनी हज़रत महमद मुस्फ़ा सल् वम को भी अल्लाह ने जब गार सौर में रखा तो कहा ए मेरे हबीब घबराओ नहीं देखिए ये मबूद की ताते अजीज़ों कि अल्लाह कितना लुत्फ बरसाता है कितना करम करता है और वो भी हबीब पे अपने क्यों करना करेगा करम है मेरे हबीब घबराओ नहीं और जनाबे रसूल माँ अब हमारे जब गारे सौर में हैं तो अनकबूद ने मकड़ियों ने जब जाला बना दिया तो दुश्मन समझ ही नहीं पाए कि यहाँ पे रसूल मौजूद भी है और वहाँ से चले गए तो देखिए जब जो इंसान अल्लाह पे अकीदा रखने वाला है और उसका मुस्तहका मजबूत अकीदा है तो उसे कोई तोड़ नहीं सकता इसीलिए है कुरान में किस्से है वाकयात है ताकि हम मजबूत हो जाए हमारे दिल महकम हो जाए इसीलिए करबला है कि उसको फरामोश ना किया जाए जो करबला का वाक़ा करबला का, का मारे का जो रोनम हुआ है वो फरामोश करने के लिए नहीं आजीज़ हो सबक mm. हासिल करने के लिए दर्स हासिल करने के लिए है फिर दूसरे मकाम पर बताया गया कि इसलिए करबला है इसलिए कुरान में किससे बताए गए हैं ताकि इंसान के लिए उसमें एक दर्श और नसीहत हो जाए और दर्स और नसीहत किस तरीके से कि जिस तरीके से जनाबी यूसुफ़ का तस्करा मैंने कल किया था कि जनाबी सलाम की बात को बताते हुए अल्लाह ने वहाँ पे पाक दामने का इफ़त का दर्स हमें वहाँ से मिलता है और हमें चाहिए कि इफ़त और दर से पाक दामने हासिल कर ले ऐसा ना हो जाए कि गुमराह हो जाए मगर आज की अगर जनरेशन देखी जाए अजीज़ों आज का अगर ज़माना देखा जाए तो ये इतना तरक्याफ़्ता ज़माना इतना सोशल मीडिया का ज़माना है मैं ये नहीं कहती कि सोशल मीडिया पे काम ना करिए नेट इस्तेमाल मत कीजिए आप टैब यूज़ ना करिए करिए मगर शरीयत के दायरे में कितनी अच्छी बात है कि हम जिनके मानने वाले हैं हम रसूल आल रसूल के मानने वाले हैं तो कितनी अच्छी बात है कि हम ऐसी चीज़ें डाउनलोड करें मोबाइल में या अपने टैब में या अपने लैपटॉप्स में कि जो हमारे लिए कारमंद हो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सूदमंद हो ऐसी चीज़ें ना हासिल करें कि जो हम जिसे खुद परेशान हो जाए और जो हमारे लिए मुजिर हो हमारे लिए खुद नुकसान का बास बन जाए ऐसी चीज़ें ना इस्तेमाल करें अवयान हम जिनके मानने वाले हैं कि आठवें आका इमाम रज़ा आसलाम के लिए फ़रमाया गया है कि इमाम रजा दिन भर में दस जुज़ यानी दस पारे ख़त्म कर लेते थे हम आठवें मम के मानने वाले हैं हम दिन भर में एक पारा भी नहीं पढ़ पाते अजीज़ों एक पारा भी बहुत मैंने कह दिया हम एक आयत भी नहीं पढ़ पाते ये बहुत अफ़सोस की बात है हमारे वहाँ हमने ये रूटीन कर ली है यानी ये अपनी ज़िंदगी में हमने दाखिल कर लिया है कि बस क़ुरान उठाएंगे ताकचों से और हमारे गिलाफ़ों से कुर मजीद जब खुलेगा तो तब खुलेगा कि जब माह मुबारक है रमज़ान आएगा तब तो ये नहीं होना चाहिए सो कि हम सिर्फ रमज़ान में कुरान खोलेंगे रमज़ान में ही कुरान पढ़ेंगे दौरों में जाएंगे और इसलिए जा रहे हैं ताकि हमें गिफ्ट्स मिल जाए तो गिफ्ट्स के लालच में मत जाइए मैं ये नहीं कहती कि हाँ भाई गिफ्ट्स आपको दिया जा रहा है तो इसीलिए आपकी नियत वैसे इंसानी फितरत है नियत तो वही रहेगी कि कुरान इसलिए जा रहे हैं ताकि हमको जब ख़त्म हो जाएगा आखिरी जब महीना इख्ताम पे रहेगा 26 सत्ताईस आएगी रमज़ान की तो खत्म दौरे कुरान ख़त्म होगा तो वहाँ वाले यानी जो भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो वो इंसान को गिफ्ट देते हैं कोई ना कोई तोहफ़ा मिलता ही है तो नियत तो ज़्यादातर हमारी वही रहती है कि हम तोहफ़े के लालच में जा रहे हैं मगर इतनी अच्छी बात है कि वो इन नीयत को हम मोड़ दें तब्दील कर दें कि परवदिगार तेरी रजात के लिए जा रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम दिन भर में कम से कम एक आयत तो पढ़ लें कम से कम ये मैं अपने तरीके से कह रही हूँ यानी अपनी बात अपनी मफहम में कह रही हूँ ना कि कोई हदीस आपको बयान कर रही हूँ कि अगर हम एक आयत भी पढ़ लेंगे तो धीरे धीरे हम शुरू करेंगे एक आयत पढ़ेंगे फिर धीरे धीरे दो आयत इसी तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ने के आदि हो जाएंगे और पढ़ेंगे और सिर्फ और सिर्फ़ अल्लाह एक आम अंजाम दिया जाए उसके बाद कहा जाता है हबीब ने मज़ाहिर के लिए हबीब ने मज़ाहिर ये भी आम शख्सियत नहीं है अजीज़ों ये हमारे रसूल रसूल के नवासे के दोस्त है वो भी ऐसे वैसे नहीं बहुत करीबी दोस्त हसीज हो बहुत नज़दीकी दोस्त के इमाम ने इनको भी ख़त लिख के करबला भुजाए बुलवाए हैं जनाब हबीब अपने साथी के लिए अपने यावर के लिए अपने मददगार के लिए अपने दोस्त के लिए फ़ौर खड़े हो गए यहाँ पे इमाम को ख़त मिला वहाँ पे जनाब हबीब तैयार हो गए करबला की तरफ़ आने के लिए देखिए इसको कहते हैं इंसान हक़ के वफा निभा दे अपने दोस्ती का हक अदा कर दे मगर आज तो हम दोस्ती भी सही निभा नहीं पाते अजीज हो जब आज का ज़माना ऐसा हो गया कि भाई भाई का दुश्मन हो गया है तो दोस्त की तो बात ही अलग है मगर यहाँ पे करबला में इसलिए मैंने कहा कि करबला दर्शगा है हमारे लिए कि सीखिए वो हमारे लिए इबरत की जगह दे रही है हमें बुराइयों से रोक रही है हमें ख़ताओं से बचा रही है बहरहाल तो जनाब हबीब ने मसायल के लिए भी कहा जाता है कि वो दिन भर में पूरा एक क़ुरान या तकरीबन तीस जूज दस जूज़ इस तरीके से वो पढ़ लिया करते थे और फिर उन्होंने ये भी आगे फरमाया कि मैं इससे ज्यादा भी पढ़ सकता हूँ मगर मैं चाहता हूँ इसके अंदर गौर और फिक्र करूं देखिए इसको कहते हैं एहलैत के मानने वाले मुती अहल बैत लफ्ज़ शिया अहले तशयो हमें कहा जाता है जो शिया का मतलब क्या होता है अजीजों शिया का मतलब होता है पैरोकार मुती फरमाबरदार चाहने वाले एक अलग बात होती है उसको कहते हैं मुहिब हब्बे विला रखने वाले हब्बे विलायत रखने वाले मौला अली रखने वाले हब्बे हुसैन रखने वाले ये मोहब्बत एक अलग चीज़ है और मुती होना और इतात पजीर एक अलग चीज़ है आसीज़ों इतात वाला होना एक अलग चीज़ है कि एतात को हमने कबूल कर लिया और एतात वाले हबीब इब्ने मज़ाहिर जैसे होते आसिज़ों मुस्लिम इमन अकील जैसे होते हैं हानि औरवा जैसे होते हैं या रसूल के सहाबी ले ले या और भी हमारे आयमा के सहाबी ले लें कि उनकी तरह इनको कहते हैं मोती यानि फर्मा बरदार माली के अस्तर जैसे होते हैं कि दुश्मन की जब सरहद पे पहुंच भी जाते हैं उसके खेमे पे पहुंच भी जाते हैं तो मौलाए कायनात कहते हैं कि के मालिक के अस्तर पलट आओ तो वहाँ पर यह सवाल नहीं करते कि मौला मैं तो पहुँच चुका हूँ मैं तो बस अभी से मार दूंगा यानी इसको कत्ल कर दूंगा क्योंकि आपका हुक्म था वहां पे सवाल जवाब नहीं कर रहे मालिक अजीज हो अगर हम होते तो हम सवाल और जवाब करते कि मौला आप ही ने कहा था कि कत्ल करने के लिए जाओ अब आप ही कह रहे हैं मना कर रहे हैं कि मत करो मगर यहाँ पे सवाल जवाब नहीं किया मालिक अशतर ने इसको कहते हैं मोती यानी जब मौला ने कहा था कत्ल करने जाओ तो चले गए जब मौला ने कहा पलट आओ तो पलट आए यहाँ पे कोई एतराज़ और कोई सवाल और कोई चूआ चेरा नहीं है इसको हकीकी चाहने वाला और हकीकी मोती फर्मा बरदार कहा जाता है तो इंशाल्लाह कोशिश करिए कि हमारा भी उस फहरस्त में नाम आए कि वाक हकीकी महब भी हम हो अहलेद के इनशाला हकी़ हकीकी इताद गुजार भी हो जाए इन शह तो कहा गया कि हबीबन माहाहिर कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि और फिक्र करूँ तो अज़ीज़ करबला एक दर्स का है एक आमीज़ चीज़ है सबसे पहले मरहले पे कि दिल हमारा मोहकम हो रहा है उसके बाद हमारे लिए दर्स गाह है उसके बाद तीसरे मरहले पर इसलिए कुरान में किससे है ताकि वह हमारे लिए वाज नसीहत हो सके और नसीहत आमे इस बातें कुरान में बहुत सी चीज़ें हैं उसी तरह करबला से भी हमें नसीहत वाली बातें मिलती है करबला में किस तरीके से शौदाए करबला ने अजीज़ नसीहत दी है हमें एक किस तरह शब जब मौला मौलाने कहा कि चले जाओ मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है ये नसीहत मिल रही अजीजो हमें और इमाम ने यहाँ तक का कह, कह दिए थे कि तुम्हें शर्म आ रही है आगे अगर कि भाई हाँ हम चले जाएँगे तो लोग ये कहेंगे जब हम पलट के अपने अपने मुल्कों की तरफ शहरों की तरफ़ जाएंगे कि भाई तुमने इमाम का साथ छोड़ दिया और तुम्हें शर्म आ रही है तो एक काम करो मैं लाइटों को बुझा देता हूँ चिरागों को गुल कर देता हूँ और मेरी ख़ुतिन को भी तुम साथ में हमरा लेके चले जाओ ताकि कल तुम्हारे लिए कोई सवाल ना रहे और मैं हुसैन तुम्हारी शिफात करूँगा करबला रोज़ क़यामत यानी अपने नाना से मैं तुम्हारी शिफात के लिए तलबगार गार हूँ इमाम ने छोड़ दिया था मगर जब चिरागों को रोशन किया गया दोबारा से तो देखा कि जैसे के जैसे लोग थे वैसे के वैसे मौजूद थे कोई भी एक भी अपनी जगह से हिला तक नहीं था आजीज़ों ये एक नसीहत का मकाम है कि नहीं हमारे लिए मगर यहाँ तो ऐसी बातें जो कि अगर कोई अच्छी बात कह रहा है ज़माना इतना पुराशो तर होता जा रहा है बल्कि तरीन कहूँ मैं कि पुराशों तरीन तर होता जा रहा है कि इंसान अगर कोई हमारे लिए सामने अच्छा भी बोलता है तो हमें सुनना पसंद नहीं होता हम क्या सोचते हैं कि भैया इनकी बात कब ख़त्म हो जाए और अगर वहीं वहाँ पर गुनाह की बातें हो रही है तो हमें बड़ा मज़ा आता है यानी एक नॉर्मली बात मैं कह रही हूँ कि इंसान अच्छी बातें पसंद नहीं कर रहा है सुनना और बुरी बातें इतने दिलजोई से सुनता है और कहते हैं हाँ और बोलिए और बताइए यानी अगर हम किसी की बुराई करने बैठ जाते हैं तो हमें और मज़ा आता है और हम कहते हैं और भी बताइए यानी इतना हमें मज़ा आता है कि हम और और का तकाज़ा करते हैं जबकि ये चीज़ें और और का तकाजा तो हमें अच्छाइयों में करना चाहिए अगर किसी की अच्छाई बयान हो रही है या कोई चीज़ के बारे में बयान किया जा रहा है उसकी अच्छाई के बारे में तो उसमें हमें और और करना चाहिए कि और आगे क्या बहरहाल परवरदिगार हमारे तोफ़ी में इजाफ़ा फरमाए उसके बाद चौथे मरहले पर है कि जो क़ुरान में किस्से हैं वो हमारे लिए तज़ुर है यानी याद यादावरी है तो करबला भी हमारे लिए याद यादावरी है हर साल जो हम मजलिस बपा कर रहे हैं हम जो लिबास मिशी काले लिबास पहन लिए हैं सजाए जा रहे हैं ताबूत बरामद किए जाते हैं ज़र मुबारक है, अबा आब्दिल्ला वसलाम ताज़ी की सूरत में जो बनाई जाती है ये तमाम चीज़ें इसलिए की जा रही है ताकि याद दहानी हो करबला को भुलाया ना जाए क्योंकि करबला अगर भुला दी गई तो ये तमाम चीज़ वहीं पर ख़त्म हो जाएगी अजीजों क्योंकि इमाम हुसैन ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है इस्लाम को बचाया है वरना किसको अपने घर प्यारे आ रहे नहीं अज़ीज़ों अगर मैं मुझसे कहा जाए या आपसे कहा जाए कि अपने घर वालों को छोड़ के कहीं और चले जाओ तो हम सोचेंगे कि नहीं बेशक सोचेंगे दिमाग काम नहीं करेगा हमारा मगर इमाम ने कुछ नहीं सोचा अल्लाह के हुक्म पे फरमावरदारी करने लग गए जैसे ही अल्लाह ने कहा कि मदीना छोड़ना है इमाम फ़ौर तैयार है मदीना से मक्का की तरफ मक्का से करबला की तरफ आ गए और आज दो मुहर्रम है अजीज़ों आज ही के दिन काफ़िल इमाम हुसैन सासम करबला की सरजमीन पर पहुँच चुका है अजीज़ों अभी मसायब से मैं दूर हूँ જરા સોચે સિત્ત આઠ દિન હે ઇમામ ઇસ સરઝમીન પે ઓર આઠ દિન મેં ક્યા કુછ નહીં હો ગયા આઠ દિન મેં ઇતના અચ્છા સબક ઇતની અચ્છી તદરીસ એસે લોગ જો પૂરી દુનિયા મેં જિનકે મિસાલ નહીં મિલ સકતી કે કે جس પે ઇમામ હુસૈન ને ખુદ ફખર કિયા અઝીઝો ઇમામ હુસૈન કે જુમલે હે કે એસે અસામ मुझे मिले हैं कि जो ना मेरे नाना रसोल्ला को मिले ना मेरे बाबा अली मुर्तज़ा को मिले और ना ही मेरे भाई हसन मुशतबा को मिले जैसे असहाम मुझे मिले हैं ये इफ्तार है, इमाम हुसैन सातम है कि वाकन इमाम ने शौदाय करबला के ऊपर इफ्तार किया है कि वाकन ऐसे साथी है कि जो हज़ार बार भी शहीद होंगे इन्हें उनके शहीदों के कलाम है अजिजों कि उन्होंने खुद कहा है कि अगर मौला आपकी महब्बत में आपकी क़ुरबत में अगर हमें हज़ार बार भी हमारे टिके टिक्के कर दिए जाए टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए और हवा में हमारे गोश्तों को उड़ा दिया जाए यानी बिखेर दिया जाए तब भी आपके नुसरत से पीछे नहीं हटेंगे अल्लाह हो अकबर बहुत बड़ी बात है अज़ीज़ों के आया हम भी ज़माने के इमाम के लिए इतने कुशा हैं तैयार है, है। अल्लाज वली कल फरज कहना बहुत बड़ी बात है अजीज़ों हम कहते हैं रोज़ हमारी सुबह इसी चीज़ से होती है हमें हम ज़माने के इमाम को हम सलाम करते हैं सलामती है इमाम ज़माना की दुआ पढ़ते हैं मगर क्या वाकया दिल राज़ी है कि इमाम आ जाए और हम उनकी नुसरत के लिए तैयार हो जाए अगर वाकया दिल से हम राज़ी हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि फिर ज़माने के हसैन अरेस्तु वसलाम के लिए हम भी शौदाए करबला की तरह फिर हो जाएंगे कि इमाम फिर खुद कहेंगे अब इत, कितनी अच्छी बात है कि इमाम खुद कहे कि वाकया तुम मेरे चाहने वाले हो कबल के हमको कहना पड़े मौला हम आपके चाहने वाले हैं मौला खुद कह दे कि तुम मेरे चाहने वाले हो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी एक खुश नसीबी होगी हमारी कि ज़माने के इमाम हमसे कहेंगे अजीजों बहरहाल उसके बाद कहा जाता है सुर हज आयत नंबर बत्तीस सुर हज में भी कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई है वहाँ पर शार इलाही का तस्करा किया गया है शायर का मतलब होता है निशानियाँ निशानी अलामत माख कैसे निशाने अलामत है जैसे मिसाल दे दूँ मैं आपको हर मुल्क का अपना एक पर्सन है यानी एक झंडा है ये निशानी है उस मुल्क की कि ये अलामत है कि ये भाई ये फला मुल्क है या अगर हम अपने मुल्क के अतबार से देखें तो जो हमारी वोटर आईडी होती है हमारा जो आधार कार्ड है ये हमारी निशानी है एक हमारी सबूत हमें दे रहे हैं कि हम इस मुल्क के हैं सबूत दिया जा रहा है हम हमको इस कार्ड से यानी वो हमारी पहचान करा रहा है ये हमारी एक अलामत हो गई तो खुसूर हज में भी अल्लाह हज की बातों को बता रहा है जैसे सफ़ा और मरवा ये शार इलाही में से है कि इसके दरमियान में सात चक्कर लगाने आना और जाना है दौड़ करनी है मशरुल हराम है इन शाह हम सबको को हज हजारात से मुशर्रफ करें तो ये तमाम चीज़ें जो अल्लाह ने रखी है शार इलाही में से है वहाँ पर मक् में मुजल्फा है अरफात का मैदान है यानी हाजी अभी पिछले माह में अमल अंजाम दिए हैं हाजियों ने कुर्बानी शायरे इलाही में से कही गई है तो उसी तरीके से करबला भी इमाम हुसैन रसात वसलाम भी शायरे इलाही है अल्लाह की निशानी है एक आम बात नहीं है वो सालार शहीदा के जिनका खून नाहक करबला की सरजमीन पर बहाया गया वो इमाम मजलूम तो ये शायरे इलाही में से है यानी अल्लाह की निशानियों में से है तो हमें इनको मौंदगार रखना है इनको बाकी रखना है इनको जारी रखना है ऐसा ना हो जाए कि हमारी ज़रा सी कोतियों से सब चीज़ दरहम बरहम हो जाए सब चीज़ ख़त्म हो जाए तबाह बर्बाद हो जाए उसके बाद सूर्य शोरा, सूर्य शुरा में आयत नंबर तेईस में तस्करा किया जा रहा है कि अल्लाह ने कहा है वहाँ पर अपने हबीब से कह मेरे हबीब दुनिया वालों ने तुम्हें बहुत सताया है तेईस साल रसूल ने अजियतें बर्दाश्त की है ऐसी बर्दाश्त की है कि लोगों ने संग भारी की है रसूल पे, रसूल को गिरफ्तार कर लिए कैद कर लिए हती के जनाब अमार यासिर के वालिद को भी शहीद किया गया उनकी वालदा को भी शहीद कर दिया गया जनाब बलाल पे इतनी जहमतें आई हैं ये तमाम जहमतों को हबीब दसरा ने बर्दाश्त किया अजीजों अब अल्लाह कहता है अपने रसूल से मेरे हबीब तुमने ये तमाम तकलीफ़ों को बर्दाश्त कर लिया अब ये बर्दाश्त करना ऐसा हुआ कि धीरे धीरे मक्का जो है वो मुसलमान होने लगा यानी मक्का के लोग मुसलमान होने लग गए धीरे धीरे मदीना के लोग मुसलमान होने लग गए अजीजों अब अल्लाह कहते हैं मेरे हबीब यानी अब लोग जब मुसलमान हो गए तो अब इनसे कहो कुल्ला कम अलह अजरन अलमवदता फ़िलकरबा यानी इनसे कह दो कि मैं अजर रसाल तुमसे कुछ नहीं चाहता सिवाय मेरे अहल क़ौरबा से मोहब्बत के यानी जो मेरे नज़दीकान हैं जो मेरी इतरत है जो मेरी आल है उनसे मोहब्बत करो अब मोहब्बत का तकाज़ा ये होता है अजीज़ों के मोहब्बत हमें वफ़ा की सूरत में निभानी चाहिए ऐसा ना हो कि बेवफाई की सूरत सामने आ जाए अब वफा सीखनी है तो मौला अब्बास से सीखिए कि जिनको वफ़ादार है माका हुसैन कहा गया कि ज़िंदगी भर जिन्होंने भाई को भाई नहीं कहा बल्कि आका कह अजीजों वफाए मौला अब्बास की मिसाल कहीं कायम नहीं हो सकती कहा जाता है कि जब हरम को जब शाम के दरबार में लेके आया गया है तो वहाँ पे एक शामी इमाम सज्जादा सलाम से नासज़ा अल्फाज कहने लगा ऐसी बातें जो मुनासिब नहीं थी जब ये कहने लगा तो एक बार मौला सजाद गोया होते हैं कह शख्स क्या तुम मुसलमान हो या मुसलमान नहीं हो तो ये कहता है मैं मुसलमान हूँ तो इमाम कहते हैं कि तुमको कुरान आता है या नहीं आता है तो ये कहता है मुझे आता है कुरान तो इमाम चौथे आकर कहते हैं कि क्या तुमने कुरान में ये आयत पढ़ी है कुल्ला किल्लाकुम अजरन अल्लमद तफ़िल क़रबा ये कहता है जी मैंने पढ़ी है तो मौला कहते हैं अहले क़रबा से मुराद तुम समझते हो कौन है जानते हो कि अहले क़रबा किसे कहते हैं तो जानता तो कभी भी नासजा नहीं कहता हे इमाम ने वहीं पे अपनी बात को वाजहे करते हुए फरमाए कहने लगे कि यह अहल क़रबा हम ही तो हैं अहले क़रबा में रसूल की आल में मौला अली जनाब जहरा इमाम हसन इमाम और आले हुसैन हैं ये तमाम पुरे शामिल हैं हाल है। हम ही तो अहले क़रबा है हम ही से तो मोहब्बत करने के लिए कहा गया है और कौन हो सकता है उसके बाद कहा जाता है कि एक बस में जब जहाँ पर रसूल बैठे हुए हैं वहाँ पर रसूल कहते हैं अपने असहाब से कि सदका दिया करिए अब सदका कैसा सदका देने के लिए रसूल ने कहा है एक सदका माली तो वो हम और आप सब जानते हैं कि माली सदका किसे कहते हैं कि इंसान अपनी जान का सदका देते हैं अपने माल का सदका देता है किसी फ़कीर को खाना खिला देता है ये तमाम चीज़ें तो हम जानते ही हैं मगर रसूल ने जो बात यहाँ पर इस बज में कही वो थोड़ी अलग थी इसना थी क्या कह रहे हैं रसूल कहते हैं कि सदका दिया करें और सदका ज़बानी दिया करें अब एक शख्स उस बज़ में खड़ा होकर कहने लगा कि यार रसूल अभी तक का तो हमने सदका माली सुना था यानी माल का सदका दिया जाता है जान का सदका दिया जाता है ये कलबी और सदक़ ज़बानी क्या है यह हमें फ़रमा दीजिए बता दीजिए तो रसूल गोया होते हैं कहते हैं कलबी उसे कहा गया है कि कलब में तुम्हारे दिलों में, तुम्हारे में मेरी आल की मोहब्बत होनी चाहिए यानी मबदत क़रबा होनी चाहिए और सदक ज़बानी उसे कहा गया है कि तुम मोहम्मद और वाल मोहम्मद पर दुरूद पढ़ा करा करो यह हमारे रसूल ने वसीयत की है और नसीहत की है अब अवया ये तमाम बातें ये एक शायर इलाही की तरह और एक मददगारी बाकियत की तरह हमारे सामने रवा दवा है कि हमें इसे अपनाना है और अमल पैरा होना है ये क्या वाकया जैसे मैंने कल भी कहा कि अगर हमने सिर्फ़ क़ुरान ले लिया और इतरत छोड़ दिया तो तब भी हम नाकिस है अधूरे है ना दुनिया के रहेंगे ना दीन के रहेंगे अगर सिर्फ इत्रत ले ली एलेत ले लिया कुरान छोड़ दिया तब भी वही है इन्हें हम कहते हैं ना मिसाल दी जाती कि कान ऐसे सीधा पकड़े या घुमा फिरा के पकड़े तो बेहतर है कि कान सीधा ही पकड़ लीजिए कुरान और इितरत दोनों को साथ में लेके चलिए मगर ना दुनिया भी बेकार है और आखिरत भी बेकार हो जाएगी बस मौजू को समेट के आगे की तकरीर इंशाल्लाह आगे के बातों को कल गोश गुजार किया जाएगा जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज दो मुहर्रम है दो मुहर्रम ये आम दिन नहीं है अजीज़ों एल बहत हरम का काफिला जो 28 रजब को मदीना से निकला था रक्त सफर बांधा था वो आज दो मुहर्रम को इकसठ हिजरी में सरज़मी नयनवा पे सरज़मी करबला पे वारिद हो चुका है और आका हुसैन ने सबसे पहले जो काम किए हैं सबसे पहले मौला ने ज़मीन ख़रीदी थी अजीजों ज़मीन ख़रीदना हम ज़मीन अज़ीज़ों ख़रीदते हैं तो उस पर मकान बनाते हैं अपने जायदाद के लिए अपने प्रॉपर्टियों के लिए हमने ज़मीन खरीदी होती है मगर इमाम ये तो कुल्ले जहान मौला का है अजीज़ों ये जो चरंद परिंद दरख्त आसमान ज़मीन ये तमाम अल्लाह ने जो बनाए है वो मवदत अहल बैत में बैत की मोहब्बत में बनाए अल्लाह ने हमारी कोई बसात ही नहीं है कि अल्लाह हमारी मोहब्बत में तमाम चीज़ों को खल करता ये तो अहल ए इतरत की तोफ़ैल में हमें तमाम चीज़ें इनायत की गई है वरा वाक अजीज़ों हम इस चीज़ों के लायक ही नहीं हैं क्योंकि हमारे गुनाह हमारे अमल ऐसे हैं कि अल्लाह अगर चाहे तो हमसे ये तमाम चीज़ें छीन ले ये तमाम नेमतें छीन ले मगर वो परवरदिगार की जात जो अपने बंदे से सत्तर माह से ज़्यादा मोहब्बत करता है वो अपने बंदे पे फ़ौर एकाब और अज़ाब नाजिल नहीं करता आज मोहलत दे देता है कि मेरा बंदा अब भी मेरी तरफ पलट के आ जाएगा अब भी तोहबा कर लेगा बहरहाल मौलाना आगे सबसे पहले ज़मीन ख़रीदी इसलिए ताकि मौला के अनसार दफन हो सके ताकि मौला के अहल बैद दफन हो सके अजब नहीं कि मैं ये जुमला कह दूँ अजीज़ों के वाक़ जनाब सैदा हमारे समझलिस में मौजूद है जनाब सैदा हम सबसे पहले आ जाती है अरबाब अजहा फरश अजहा अपने लाल का पुरसा लेने जनाब सैदा के दिल से पूछिए कि जब दो मुहर्रम को लाल सरजमीन ननवा पे पहुँचे होंगे तो जनाब सैदा के हाल जार पूछ लीजिए उनके दिल की कैफियत पूछ लीजिए कि जनाब सहरा ने कैसा महसूस किया होगा हार बाब अजा जब अट्ठाईस रजब को ये काफिला रवा दवा हुआ है रक्त सफ़र बांधा है तो कहा जाता है एक दफ़ा जनाब सलमा के पास जब इमाम हुसैन गए हैं और कहने लगे नानी उम्मे सलमा मैं करबला की तरफ रवाना हो रहा हूँ नानी अम्मा एक दफा जैसे ही जनाब उम्मे सलमा ने सुना है ना अरबा अज़ा यहाँ पे उम्मे सलमा कहती है बेटा अरे तुम्हारे नाना रसूल अल्लाह ने मुझे बताया था कि जब हुसैन रखते सफर बांध लेंगे तो समझ जाना आप हुसैन कत्ल होने जा रहे हैं अलग एक दफ़ा बीबी ने एक शीशी निकाली और उस खाक को बताने लगी और कहने लगी बेटा हुसैन ये तुम्हारे नाना रसूल अल्लाह ने मुझे दी थी और कहा था कि ये मिट्टी अरे जब ये सुर्ग हो जाए तो समझ लेना सलमा कि मेरा नवासा सरजमीन करबला पे शहीद कर दिया गया एक दफा दफा कहते हैं हैं नानी आप वो मंजर देखना चाहती एक मौला ने अपनी दो उंगलियां मौला कहते हैं नानी इन दो उंगलियों के दरमियान देखिए एक दफा जनाब उम्मे सलमान ने जो निगाह की है ना अरबाब आजा अरे क्या देखा देखती है कि सरजमीन करबला पे अरे आंखों के फारे उबल रहे हैं अरे सरजमीन करवा खू में तरबतर है अलगरज यहाँ देखे के लाशें पड़े हुए हैं, अरे लाशों की पामाली देखी अरे ज़ारो इमाम की पारन लगते जिगर है मौला हुसैन एक दफा मौला हुसैन ने जनाब सगरा को नहीं बताया अरबाब वजह यह थी बीबी बीमार थी मौला नहीं चाहते थे कि सुगरा को मालूम पड़े कि हम करबला की तरफ जाने वाले हैं अलगरस जब बीबियों को देखा कि सामान यहाँ पे आमादे सफ़र कर लिया गया एक दफ़ा जब बीबी को जनाब रबाब ने कह दिया कि आपके बाबा अरे रखते सफ़र करबला हो रहे हैं एक दफा बीबी बेचैन हो गई अब यहाँ पे बाबा को बुलवाया इमाम हुसैन आए टी के पास जरा सब... हसन मुश्तबा की लहद पे आए अरे भाई से विदा होके जब उम्मे वसीयत कर चुके मौला देखिए अरे महल्ले बनी हाशिम है अरबाब अजा मौला अब्बास जनाब अली अकबर और ने हाशिम के बच्चे अरे यहाँ पे हमारियों को सजा रहे सी भी है सहरा वो में जो है ये काफिला बड़ा क्या देखा अरे ये छोटी सी बच्ची छोटी शहजादी जनाब सुगरा काफिले के पीछे पीछे आ रही है एक दफा इमाम हुसैन ने काफिले को रुखवा दिया अरे बाब आजाद अब यहां मौला उतरे से अब यहाँ कहने लगे अपनी बेटी से सुगरा क्या बात है सुगुर एक दफा जनाब सुगरा कहती है बाबा दिल नहीं जा रहा कि आप सबसे रुखसत हो लो बाबा एक दफा फिर से आप सबसे मुलाकात अरे अलगरज एक एक करके बीमिया मारियों से उतरी जनाबे सुगरा से दोबारा विदा लेने लगी एक दफा यहाँ अम्मा रबाब से जो सुगरा ने जनाबे अली सगर को गोद में ले लिया अब जू ही चाहे जनाबे रबाब कि यहाँ ले ले तो जनाबे सुगरा कहती हैं अम्मा जबरदस्ती ना लीजिएगा अम्मा असगर जब खुद आ जाए तो ले लेना मैं को को सुगरा चाहती हूं कि आप सब मेरे हवाले अली असगर को कर दीजिए अरे मैं इसके सारे जी लूंगी से एक दफा अरे बारी बारी बीवियों ने चाह अगर अली असगर किसी की गोद में ना आए एक दफा आका हुसैन आगे बढ़े बस चंद फखरे और और आपकी सहमत अलगरस कहा जाता है मौला आगे बढ़े मौला ने नन्हे माही के गोश मुबारक में पता नहीं क्या कहा अरे साहिब किताब ने लिखा क्या जब नहीं मौला ने कहा शहजादी जराब सहरा ने कहा हो हुसैन अरे तुम तनहा नहीं जा रहे मेरे लाल ये माँ भी तुम्हारे साथ करबला चल रही है वो हुसैन मोहम्मद वो वा वाह वो फोत्मा ألا <سؤال> لعنة الله على قوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أيام من ينقلبون فردقارا حسين امام مهدي اجر الله تعالى فرج الشريف کے ظهور میں تعجيل عنایت فرما فردقار مولا کو دشمنوں کے شر محفوظ فرما परवरदिगारा आलाम का साये ग्रामी हमारे सरों पर बरकरार फरमा रोज़ात मुक़दसा की हिफ़ाजत फरमा जो भी बीमार है ला इलाज मरीज़ी में मुबला हो गए हैं बेहक के चार दमास में इन तमाम को शिफाए मुकम्मल अता फ़रमा वालदेन का साए ग्रामी हमारे सरों पर बरकरार फरमा रब्बर हम हम कमा रबानी सगीरा रबना तकबल मन्ना इन्ना का अन